हेलो दोस्तों, हमेशा की तरह आज का वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम कंपैरिजन करने वाले रेडमी नोट 13 प्रो का प्रो प्लस के साथ। आपको दोनों में 5000 का प्राइस डिफरेंस देखने को मिलता है। क्या आपको 5000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने चाहिए, क्या फिर नहीं करने चाहिए, पूरा इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो में बस एंड तक बने रहिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्राइस की। Redmi Note 13 Pro आपको 25000 के रेंज में मिलने वाला है और Pro Plus वाला आपको 30000 के रेंज में मिलने वाला है। और जो Redmi Note 13 Pro है इसमें आपको तीन वेरिएंट मिलने वाले हैं। 8/128 GB मिलने वाला है और 8/256 GB मिलने वाला है और 12/256 GB आपको देखने को मिलेगा। यही अगर मैं बात करूं Pro Plus की, यहाँ पे आपको दो वेरिएंट ही देखने को मिलेंगे जिसका बेस वेरिएंट है 8/256 GB के साथ आने वाला है और 12/256 GB देखने को मिलेगा। दोनों का जो डिजाइन है काफी ज्यादा आपको प्रीमियम मिलने वाला है। जो Redmi Note 13 Pro Plus है उसमें आपको वैगन लेदर फिनिश मिलने वाली है, काफी ज्यादा यहाँ पे प्रीमियम लगने वाले है बैग से। और Redmi Note 13 Pro में आपको ग्लास बैक देखने को मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं इसकी डिस्प्ले की ओर। 13 Pro में आपको फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलेगा और 13 Pro Plus में आपको कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। 6.67 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ आपको मिलने वाला है। दोनों स्मार्टफोन में आपको 12-bit डिस्प्ले देखने को मिलता है और गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन भी यहाँ देखने को मिलेगा। और आप आउटडोर में भी यूज करते हैं तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 1800 निट्स का पीक ब्राइटनेस लेवल देखने को मिलता है। वैसे 500 निट्स का नॉर्मल मिलने वाला है बट जो पीक ब्राइटनेस लेवल है 1800 निट्स तक यहाँ जाता है। दोनों में आपको बेजल्स काफी कम देखने को मिलते हैं। कवर्ड वाली डिस्प्ले है उसमें तो आपको बेजल्स ना के बराबर ही देखने को मिलते हैं बट जो 13 प्रो है उसमें भी आपको बेजल्स काफी कम देखने को मिलते हैं। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 94% के ऊपर आपको मिलने वाला है। इस बार दोनों ही स्मार्टफोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगर स्कैनर देखने को मिलता है। डिस्प्ले आपको दोनों ही स्मार्टफोन में काफी अच्छा देखने को मिलता है। कलर्स वगैरह यहाँ अच्छे देखने को मिलते हैं बट आपकी पर्सनल चॉइस है, आपको फ्लैट डिस्प्ले चाहिए या फिर कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले चाहिए, तो दोनों में से आप कोई भी स्मार्टफोन को यहाँ कंसिडर कर सकते हैं। Redmi Note 13 Pro Plus में आपको 5000mAh का बैटरी मिलने वाला है प्लस 120W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलने वाला है। बट 13 Pro में आपको 5100mAh का बैटरी मिलने वाला है प्लस 67W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। दोनों स्मार्टफोन में आपको टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल भी देखने को मिलेगी। अगर आपको ज्यादा फास्ट चार्जिंग चाहिए तो आपको Redmi 13 Pro Plus में देखने को मिलेगी। दोनों स्मार्टफोन में आपको स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है और Dolby Atmos का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। बट 13 Pro में आपको 3.5 का जैक देखने को मिलेगा, Pro प्लस में आपको 3.5 का जैक देखने को नहीं मिलेगा। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आपका दोनों ही स्मार्टफोन में अच्छा होने वाला है क्योंकि डिस्प्ले भी आपको AMOLED मिलने वाला है और यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर भी मिलने वाले हैं। इसके अलावा IR ब्लास्टर दोनों में आपको मिलने वाला है। ड्यूल नैनो सिम कार्ड स्लॉट देखने को मिलेगा, यहाँ पे मेमोरी कार्ड का स्लॉट आपको देखने को नहीं मिलेगा। IP54 की रेटिंग 13 प्रो में मिलने वाला है बट प्रो प्लस में आपको IP68 की रेटिंग देखने को मिलेगी। आप पानी में डुबकी इसको आराम से मरवा सकते हैं। इसके अलावा वेट की बात करूं तो 205 ग्राम के करीब प्रो प्लस में मिलने वाला है बट जो 13 प्रो है वो काफी लाइट वेट है, यहाँ पे आपको 187 ग्राम के करीब अप्रोक्सीमेट वेट देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन है तो आपको 10 5G बैंड का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं इसकी परफॉर्मेंस की ओर। Redmi Note 13 Pro में आपको जो प्रोसेसर मिलने वाला है Snapdragon 7S Gen 2 देखने को मिलता है जो कि 4 नैनोमीटर बेस्ड है। अगर मैं इसके अंतुतु स्कोर की बात करता हूं तो आपको 5,90,000 के करीब यहां अंतुतु स्कोर देखने को मिलेगा। इसके अलावा Redmi Note 13 Pro Plus में आपको जो प्रोसेसर मिलने वाला है MediaTek Dimensity 7200 देखने को मिलता है। यहां पे जो अंतुतु स्कोर आने वाला है 7,60,000 के करीब देखने को मिलता है। अंतुतु स्कोर आपको Pro Plus में बेटर मिलने वाला है बट रियल लाइफ में जब हमने इसको टेस्ट किया दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सिमिलर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। जो डे टू डे एक्टिविटी के साथ साथ अच्छी खासी गेमिंग आपको दोनों ही प्रोसेसर के साथ कर पाएंगे, ऐसा कोई आपको मेजर डिफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाला। बट थोड़ा सा यहाँ पे ऐप ओपनिंग वगैरह 13 प्रो प्लस में फास्ट यहाँ पे होने वाला है, अदरवाइज आपको पता भी यहाँ नहीं चलने वाला। दोनों में आपको परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने को मिलेगा बट प्रो प्लस जैसे 30,000 के रेंज में आता है तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ओवर प्राइस लगा। यहाँ पे ये प्रोसेसर नहीं होना चाहिए था, थोड़ा यहाँ पे बेटर प्रोसेसर देना चाहिए था। इसके अलावा 13 प्रो में आपको LPDDR4X रैम टाइप और UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगा। प्रो प्लस में आपको LPDDR5 रैम टाइप मिलने वाला है और UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप भी देखने को मिलेगा। दोनों स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आने वाले हैं। आपको 14 मिलना चाहिए था बट नहीं मिलने वाला। इसके अलावा 3 ईयर का मेजर अपडेट और 4 ईयर का सिक्योरिटी अपडेट दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्री इंस्टॉल्ड ऐप ब्लॉटवेयर वगैरह आपको दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिलेंगे बट आप चाहें तो इसको डिसेबल कर सकते हैं।
फाइनली अब हम बात करते हैं इसके कैमरास के बारे में। वैसे कैमरा सेटअप दोनों में आपको सेम मिलने वाला है, बट कैमरे में यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिलता है, OIS के साथ आपको मिलने वाला है। प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड आपको मिलने वाला है, प्लस 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिलेगा। और अगर मैं सेल्फी कैमरा की बात करता हूँ तो दोनों स्मार्टफोन में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलेगा। दोनों स्मार्टफोन के अगर हम कैमरास को यहाँ पे कंपेयर करता हूँ तो डिटेल वगैरह दोनों में आपको सिमिलर सी देखने को मिलती है, बट जो कलर वगैरह है वो प्रो में मुझे यहाँ पे बेटर लगे थोड़े से। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन लो लाइट में मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए जरूर मिले। इसके अलावा डायनेमिक रेंज वगैरह में काफी इंप्रूवमेंट किया है, काफी अच्छी दोनों स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलती है। अगर आपको मतलब बेटर कैमरा चाहिए तो मेरे हिसाब से 13 प्रो में आपको बेटर कैमराज यहाँ देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके सेल्फी कैमरा की तो आपको 13 प्रो प्लस में सेल्फी कैमरा थोड़ी सी यहाँ पे बेटर देखने को मिलेगी। कलर्स वगैरह वहाँ पे आपको काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा से आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पे, और सेल्फी कैमरा से आप 1080p 60 FPS पे ही रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। और अगर मैं वीडियोग्राफी की बात करता हूं तो वीडियोग्राफी में भी डेफिनेटली मुझे 13 प्रो ही बेटर लगा। यहां पे आपको काफी स्टेबल वीडियो मिलती है और कलर्स वगैरह भी काफी बेटर यहां पे निकल के आते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूं दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपको बाय करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, 5000 के करीब यहां प्राइस डिफरेंस दोनों में देखने को मिलता है, बट मुझे यहाँ पे पर्सनली 13 प्रो प्लस ओवर प्राइस स्मार्टफोन लगा है। 30,000 इसकी रेंज में जस्टिफाई नहीं करता। इसमें प्रोसेसर थोड़ा सा यहाँ पे बेटर देना चाहिए था, बट आपको नहीं मिलने वाला। कैमरा वगैरह भी मुझे उतने ज्यादा अच्छे नहीं लगे 30,000 की प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग। अगर आपको वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन चाहिए तो डेफिनेटली रेडमी नोट 13 प्रो की तरफ ही आपको जाना चाहिए। हालांकि मुझे इसका प्राइस भी थोड़ा यहाँ पे ज्यादा लगा 2-3 हज़ार रुपए, बट ठीक है। ओवरऑल में आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है, स्टीरियो स्पीकर मिलने वाला है, और बैटरी वगैरह भी दोनों में आपको सेम से मिलने वाला है, और यहाँ पे प्रोसेसर भी आपको अच्छा मिलने वाला है। इसके अलावा कैमरा वगैरह भी ओवरऑल में आपको अच्छा मिलने वाला है। तो अगर आपको रेडमी का स्मार्टफोन चाहिए तो आपको मेरे हिसाब से रेडमी नोट 13 प्रो की तरफ ही यहाँ जाना चाहिए। आई थिंक अब आप डिसाइड कर पाएंगे। स्टिल कंफ्यूज हैं तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। काफ़ी लोग आते हैं, वीडियो अच्छा भी लगता है बट सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, काफ़ी टाइम लगता है आपके लिए ऐसी वीडियोज़ बनाने में।